नमस्कार साथियों, मैं अजय, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अजय रेहान ब्लॉग्स पर। तो साथियों, आज हम बनाने जा रहे हैं सोयाबीन की बड़ी, जिसके हम न्यूट्री बोलते हैं। तो इसके अंदर हमने जो जो चीज़ों का प्रयोग किया है ये आपको बता देते हैं। हमने लिए हैं, एक हमने प्याज लिया था, इसको हमने चॉप कर लिया है। एक बड़ा चम्मच हमने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। एक टमाटर को हमने चॉप कर लिया है, कद्दूकस किया है, इसको भी कद्दूकस किया है। और हमने लिया है लगभग 70 से 80 ग्राम न्यूट्री की, जो सोया बड़ी बोलते हैं, वो ली है। तो आप हमारी वीडियो में बने रहिए, देखते हैं कैसे हम बनाते हैं। चलिए, तो साथियों, सोया बड़ी को हम 5 मिनट के लिए भिगो के रखेंगे। तो इसके बाद हम इसके अंदर से पानी निकाल लेंगे। इसके अंदर हमने थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा फूड कलर डाला है, लाल रंग का। तो साथियों, हमने 5 से 6 पीस न्यूट्री के लिए थे, उसको हमने क्रश कर लिया है, इसको थोड़ा पाउडर फॉर्म में बना लिया है। इसको भी हमने पानी में भिगो के रख लिया है। तो साथियों, सबसे पहले इसके अंदर हम सरसों का तेल डालेंगे। तो साथियों, तेल हमारा गर्म हो चुका है। सबसे पहले इसके अंदर हम डालेंगे प्याज। जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसके बाद टमाटर भी डाल देंगे। इसको 3 से 4 मिनट के इसको भूनेंगे, उसके बाद न्यूट्री डालेंगे। जीरा डालेंगे, नमक डालेंगे। नमक हमने न्यूट्री में भी डाला था, इसमें हम थोड़ा ही डालेंगे। थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डालेंगे, जो हमने न्यूट्री दरदरा पीसी थी वो भी इसके अंदर डालेंगे, भिगो के रखी थी वो। तो साथियों, एक चम्मच, छोटा चम्मच, इसके अंदर हम सिरका डालेंगे। आप नींबू भी डाल सकते हैं, तो सिरके का टेस्ट थोड़ा अच्छा होता है। एक चम्मच सोया सॉस। तो साथियों, थोड़ी सी हम इसके अंदर कूटी हुई मिर्च डालेंगे। तो साथियों, इसके अंदर हम हल्दी नहीं डालेंगे, हल्दी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो साथियों, तड़का हमारा भुन चुका है, इसको भुनने में मात्र 5 मिनट का समय लगा। तो इसके अंदर हम डालेंगे सोया बड़ी न्यूट्री। तो इसके अंदर एक कटोरी पानी भी डालेंगे। तो अभी इसको हम मिक्स करेंगे। तो अभी इसको हम 4-5 मिनट के लिए इसको भी हम पकाएंगे। तो साथियों, सोया बड़ी बन के हमारी तैयार है, इसको बनाने में 10 मिनट का समय लगा। तो लीजिए साथियों, सोया बड़ी बन के तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही पौष्टिक होती है। आशा करते हैं आज की जो हमने सोया बड़ी की जो रेसिपी बनाई है, आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों, मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक खाते रहिए, खिलाते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय श्री राम।